हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल गाइस आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा जो टोटल इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसका 18 नंबर्स का कैरी ओवर है इस टोटल कैरी ओवर में नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं वो पूरा पार्ट नियर अबाउट टेन टू ट्वेल्व नंबर्स का है सो इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड मैनी टाइम्स स्टूडेंट फेस अबाउट द सॉल्विंग ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है नेशनल uh, इनकम का जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि हम लोग थ्योरटिकल कन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते थ्योरटिकल कन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ढंग से कर पाएंगे सो दो स्टूडेंट्स वो आर विलिंग टू स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स वो आर विलिंग टू गेन द फुल नॉलेज अबाउट द चैप्टर Uh, the lectures will be fruitful for them and uh, these this this chapter will be covered into three to four lecture. So uh, hope for the best and start national income and related aggregates. It is a part first. First, we will read about the definition of macroeconomics. What is macroeconomics? Macroeconomics is that branch of economics which deals with aggregates. Aggregates means those factors which are working at the highest level which are working at the economy level. जो इकोनॉमी लेवल पे काम कर रहे हैं फैक्टर्स उन सारे फैक्टर्स से कौन डील करता है उन सारे फैक्टर्स से डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम नेशनल इनकम इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑल द इंडिविजुअल्स मीन्स सबकी इनकम को एड कर दिया जाए तो वील गेट द नेशनल इनकम दैन फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इट इज वर्किंग एट द इकोनॉमी लेवल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ ऑल द कमोडिटीज बाय All the consumers in an economy is an aggregate demand. So it is also a macroeconomic variable working at the economy level. General price level is also working at economy level. So these are the this is the basic definition of macroeconomics which deals with the issues or problems at economy level. Now, who is known as the father of modern economics? The father of modern economics is James Keynes. You have to remember this. फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स इज जेम किंग्स नाउ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेवंथ क्लास में बट हमारे पास ये डिफ्रेंस वापस से आता है क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है कैन बिकम इट इज अ बेसिक इम्पॉर्टेंस इट इज़ हैविंग अ बेसिक इम्पॉर्टेंस सो इट्स एन content to be read out so microeconomics that first is microeconomics microeconomics that branch which studies with the individual economic units suppose individual market individual company individual factory individual shop so this is uh, this is that branch which is dealing with the economic units at the individual level microeconomics is that branch which is dealing with the variables which are working at the economy level mean the aggregate variables they are working at the economy level so it is dealing with एग्रीगेट वेरिएबल्स ना एग्रीगेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन है उसका एग्रीगेशन है लिमिटेड डिग्री लिमिटेड डिग्री मतलब सपोज हम एक मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो हम मार्केट डिमांड में उस मार्केट के जो कंज्यूमर्स हैं उन सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड है पर्टिकुलर एक कमोडिटी के लिए दैट इज मार्केट डिमांड सो हमारा जो एग्रीगेशन लेवल है वो उस पर्टिकुलर मार्केट तक की लिमिटेड है सो इट इज़ हैविंग द लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्रीगेशन का लेवल है वो हाइएस्ट है मतलब हम माइक्रो इकोमिक वेरिएबल्स हाइएस्ट लेवल पर पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो जो उनमें एग्रीगेशन है जहाँ सम्मिशन हो रहा है उन वेरिएबल्स में या उन इकनॉमिक uh, वेरिएबल्स में वहाँ पर सम्मिशन हाइएस्ट डिग्री का हाइस्ट डिग्री का सम्मिशन होने की वजह से दैट इज अ देट इज डेल्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी क्योंकि नॉर्मली हम डिमांड और सप्लाई पे पढ़ रहे हैं डिमांड और सप्लाई पे जो इफेक्ट आ रहा है प्राइस की वजह से वो हम पढ़ते हैं नॉर्मली तो इट इज़ अ प्राइस थ्योरी द अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट नो वट आर द प्रॉब्लम्स इज आर रिजोल्व बाय द माइक्रो एंड माइक्रो द प्रॉब्लम इज आर अ रिजोल्ड बाई माइक्रो आर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ पर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए रिसोर्स को एलोकेट करने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज क्या है एंड द प्रॉब्लम दैट इज डेल्ट बाय माइक्रो इज़

माइक्रोसेज फॉल्स और इफ माइक्रोसेज ट्रू माइक्रोसेज फॉल्स सो इट देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द व्यूज सो दैट कॉन्ट्राडिक्शन इज नोन एज पैराडॉक्स सो वॉट इज अ पैराडॉक्स इट मीन्स दैट वॉट इज लॉजिकल और ट्रू एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल और इट मे बी फॉल्स एट द माइक्रो लेवल सपोज अगर हम बात करें हमारे पास ये फोटो है या पिक्चराइजेशन है उस पिक्चराइजेशन हम देखते हैं कि ये जो सेविंग्स है सेविंग्स आर गुड एट इंडिविजुअल लेवल हम समझते हैं सेविंग्स गुड है हमारे इंडिविजुअल लेवल पर बट अगर हम देखते हैं सेविंग्स को अगर नेशनल लेवल पे तो नेशनल लेवल पे सेविंग्स हमारे लिए बैड है बिकॉज बैड क्यों है अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन जो पैसा कमाती है अगर वो सारा पैसा बचाने लग जाएगी तो क्या होगा अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा और जब हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन लेवल भी कम हो जाएगा और जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम जनरेट होगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी डम्प हो जाएगी इकोनॉमी में जो प्रॉस्पेरिटी है वो प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाएगी पॉवर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी इकोनॉमी सो so, जो कॉन्सेप्ट है सेविंग का सेविंग का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छा है इंडिविजुअल लेवल पे हम उसको गुड मानते हैं बट हम इकोनॉमी के लेवल पे माने तो इकोनॉमी के लेवल पे वो जो कॉन्सेप्ट है वो बैड है हमारे लिए इट इज नॉट अ गुड कॉन्सेप्ट सो दे इज अ डिफरेंस इन द व्यूज इन माइक्रो एंड मैक्रो दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जब हम पैराडॉक्स पढ़ रहे हैं तो हम हमें एक चीज़ और समझनी है कि माइक्रो और माइक्रो में इंटर डिपेंडेंस भी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर डिपेंडेंस का हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि माइक्रो और माइक्रो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है कैसे देखते हैं देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी एंटायर इकोनॉमी में इंफ्लेशन बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है एंटायर इकोनॉमी में तो उस इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई की वजह से किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस पे भी इम्पैक्ट आएगा वो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस इफेक्टेड होगा ही होगा तो हो क्या रहा है माइक्रो पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे मैक्रो का इंपैक्ट आ रहा है मैक्रो लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट माइक्रो लेवल पर भी आ रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस के ऊपर सो दिस इज डिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो अपॉन मैक्रो अब हम बात करते हैं मैक्रो की डिपेंडेंसी मैक्रो भी माइक्रो पे डिपेंडेंट है कैसे इफ यू टॉक अबाउट नेशनल इनकम अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का समेशन हो रहा है इंडिविजुअल इनकम्स की सबकी इंडिविजुअल इनकम को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम बनेगा तो इंडिविजुअल इनकम्स को ऐड करके ही नेशनल इनकम बन रहा है इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सो देर इज अ डिपेंडेंसी और देर इज ए इंटर डिपेंडेंसी बिट्वीन माइक्रो एंड माइक्रो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट सो लेट्स वाइंड अप दिस डिफरेंस बिटवीन माइक्रो 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 पैराडॉक्स एंड इंटर डिपेंडेंस नाउ वी कैन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने क्या किया हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए हमारे इकोनॉमिक्स में हमने क्या किया हमारे एंटायर इकोनॉमी को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया वन इज हाउस होल्ड सेकेंड इज फर्म थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज़ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारी जो इकोनॉमी है हमारी इंडियन है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अलावा हमारे दूसरे इकोनॉमी से भी कनेक्शन हैं जैसे अमेरिकन इकोनॉमी यूके इकोनॉमी हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते हैं हम भी इम्पोर्ट करते हैं हम उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं वो भी हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं हम उनसे डिफेंस गुड खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ा मैनेजमेंट संभालती है बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है तो गवर्नमेंट एक कंज्यूमर भी है गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है तो गवर्नमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है फर्म जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर दे आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड लास्ट वन इज हाउस होल्ड हाउस होल्ड हम और आप जैसे लोग वी ऑल आर हाउस होल्ड सो वी ऑल आर हाउस होल्ड इट मीन्स वी आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेक्टर इन एन इकोनॉमी हाउ वी आर इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज वी आर गिविंग आवर सर्विसेज टू द फर्म्स so we we are the factor service providers. हम जैसे मान लीजिए कोई आदमी जॉब करने जाता है किसी कंपनी में तो वो जो आदमी जॉब करने जा रहा है वो हाउस होल्ड है और हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज किसको दे रहा है फर्म को तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर तो चार सेक्टर्स हमेशा याद रखना हमें हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन रिपीट हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाउ जब हमने बात कर ली अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कौन करता है हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चार है सेक्टर्स और फैक्टर्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमारे सामने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार हैं सबसे पहला लैंड मीन्स रिसोर्सेज लेबर ह्यूमन 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 मैन पावर और ह्यूमन uh, कैपिटल अगेन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स और मनी टर्म्स एंटरप्रीनरशिप एंटरप्रीनोरशिप इज ऑल्सो ह्यूमन स्किल हम लैंड को देते हैं रेंट लैंड अपनी सर्विसेज देता है हम उसके बदले में उसको रेंट देते हैं सपोज हमने हमारी कंपनी को इस्टेब्लिश किया और हमारी कंपनी का जो ऑफिस है वो हमने किराए पर ले रखा है तो वी आर गेटिंग द लैंड वी आर गेटिंग द रिसोर्स एंड वी आर गिविंग द रेंट लेबर लेबर को हम पे करते हैं वेजेस जब लेबर हमारे लिए काम करती है तो हम वेजेस एंड सैलरीज पे करते हैं इकोनॉमिक्स में हम सैलरी अलग से नहीं मानते हम इकोनॉमिक्स में वेजेस ही वर्ड यूज में लेते हैं जो रियम्बर्समेंट है रेमेशन है हम उसको वेजेस ही मानते हैं कैपिटल को हम पे करते हैं इंटरेस्ट वी आर पेइंग द इंटरेस्ट अगेंस्ट द कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो एंटरप्रेन्योर है जो स्किलफुल पर्सन है वो क्या लेके जाता है नॉर्मल प्रॉफिट ही इज आस्किंग फॉर द नॉर्मल प्रॉफिट अगेंस द फैक्टर सर्विसेज सो दे आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रीनोरशिप दे आर गेटिंग रेंट वेजेज इंटरेस्ट नॉर्मल प्रॉफिट नो अब हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी वर्क कैसे करती है हमारी इकोनॉमी वर्क करती है एक सर्कुलर फ्लो में एंटायर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है गोल गोल घूमती रहती है सो एंटायर इकोनॉमी इज वर्किंग इन सर्कुलर फ्लो हाउ दिस सर्कुलर फ्लो इज गोइंग ऑन

और इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वापस से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ये पूरा साइकिल है जो हर समय चलता रहता है अब इसको एलोबरेटली uh, पढ़ लेते हैं सबसे पहला प्रोडक्शन फेज प्रोडक्शन फेज में क्या होता है यहां पे प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट होती है बिकॉज जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं हम प्रोडक्शन करके गुड्स को बेचते हैं सर्विसेज को बेचते हैं तो इनकम जनरेट होती है इनकम जनरेट कौन करता है फर्म्स क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कौन करता है फर्म्स और फर्म्स किसकी हेल्प से करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉर्मली कहां से आते हैं हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कमिंग हाउस होल्ड फर्म्स क्या करती है हाउस होल्ड से अपनी सेवाएं लेती है और प्रोडक्शन करके इनकम जनरेट करती है तो फर्स्ट जो फेज है वो है इनकम जनरेशन फेज दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फेज अब इस फेज में जो इनकम जनरेट हुई है इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में तो ये जो सेकेंड फेज है ये सेकेंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज डिस्ट्रीब्यूशन किसको किया जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जिन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको दी फॉर्म को अब जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास पैसा आ जाता है जैसे हम और आप जैसे लोग हैं हम सब लोग जब पैसा कमाते हैं तो हम लोग पैसा वापस खर्च भी करते हैं क्योंकि हमारी नीड्स को पूरा करना है गुड्स एंड सर्विसेज की तो हम हमारा थर्ड फेज आता है इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर फेज़ जो भी पैसा हमें मिलता है जो भी पैसा हाउस होल्स को मिलता है दे आर स्पेंडिंग फॉर्म्स आर ऑल्सो स्पेंडिंग सो दैट इज एन एक्सपेंडिचर फीस एक्सपेंडिचर फीस मीन्स इनकम रिसीव्ड इज गोइंग अगेन आउटफ्लो देर इज एन आउटफ्लो ऑफ इनकम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट इनकम अगेन कम्स टू द प्रोड्यूसर सो अगेन प्रोडक्शन स्टार्ट जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो एक्सपेंडिचर करते हैं मतलब हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं और जब कंजम्पशन हमारा खत्म हो जाएगा तो हम वापस से कुछ नया परचेज करेंगे और नया पैसे परचेज करेंगे जो मनी इनकम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिली है वो उससे वापस से कुछ ना कुछ परचेस करेंगे और वापस से प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो ये सर्कुलर फ्लो है जो हमेशा चलता रहता है एंटायर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है नौ अब हम पढ़ते हैं कुछ वेरिएबल्स के बारे में जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं हम पर्टिकुलर कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल नहीं पढ़ रहे हैं अलग से अभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के कुछ कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रहे हैं हम तो, लोग तो हमारे पास हमने क्या किया मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब वेरिएबल्स हैं ये हमें याद रखना है कि वेरिएबल हैं और हमेशा चेंज होते हैं दे ऑलवेज चेंजेस तो यहाँ पे बाइफर्गेशन किस वजह से आया है यहाँ पे बाइफर्गेशन आया है मेजरमेंट की वजह से हम उसका मेजरमेंट कब करें चेंज तो होंगे बट मेजरमेंट कब कर रहे हैं तो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से बाइफर्गेशन आया सबसे पहला बाइफर्गेशन है स्टॉक स्टॉक कॉन्सेप्ट और सेकंड बाइफर्गेशन है हमारे पास फ्लो कॉन्सेप्ट दीज आर द कॉन्सेप्ट सो वॉट इज अ स्टॉक स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो रहा है जैसे नेशनल वेल्थ हमारी कंट्री की नेशनल वेल्थ सपोज अभी ट्वेंटी थ्री वन जीरो मतलब अभी बजा है रात का के दस मिनट अभी हमारी कंट्री की नेशनल वेल्थ है टू लैख करोड़ सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी रात को ग्यारह बज के दस मिनट में हमारी कंपनी कंट्री की जो नेशनल वेल्थ है वो है टू लैख करोड़ दिस एन एग्जाम्पल हम मेजर के, नो डाउट कंट्री की वेल्थ बार बार चेंज होती है नेशनल वेल्थ हमेशा चेंज होती रहती है वेरिएबल है बट अभी ग्यारह बज के दस मिनट पर कितनी है टू लैख करोड सो इट डिपेंड्स अपॉन मेजरमेंट कि आप मेजरमेंट कब कर रहे हैं नौ no. इसी तरह से जब हम बात करते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट की फ्लो कॉन्सेप्ट को या फ्लो वेरिएबल्स को हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर नहीं करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं जैसे नेशनल इनकम हमारी कंट्री की नेशनल इनकम हम मेजर करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है फर्स्ट अप्रैल ऑफ करंट मंथ से करंट ईयर से स्टार्ट होता है सपोज 2023 और एंड होता है थर्टी मार्च 2024 सो इट मींस वी आर मेजरिंग आवर नेशनल इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल चेंज इन दैट पीरियड सो इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट इट विल चेंज इट चेंजेस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बिकॉज वी आर मेजरिंग इट इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम सो इट विल चेंज इन दैट पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक कंसेप्ट स्टैटिक कन्सेप्ट स्टैटिक क्यों बोला है जस्ट बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कंसेप्ट फिक्स है अभी ग्यारह बज के दस मिनट पर नेशनल वेल्थ हमारी दो लाख करोड़ है ये फिक्स है हो सकता है ग्यारह बज के बारह मिनट पर हमारी नेशनल वेल्थ हो जाए टू पॉइंट फाइव लाख करोड़ इट मे चेंज चेंज होगी बट ग्यारह बज के दस मिनट पर फिक्स है दो लाख करोड़ therefore it is a static concept now the stock variable is not having time dimension it do not have time dimension but it have time dimension it has a magnitude a particular financial year a poor magnitude hai. so it, its magnitude can be measured over a period of time there is a period of time now examples are for stock concept is money supply quantity of wheat is stored such so, a simple example was quantity of wheat is stored अभी गोडाउन में मान लीजिए बीस बोरी गेहूं पड़ा है गोडाउन में ट्वेंटी क्विंटल्स मान लीजिए गेहूं पड़ा है तो अभी पड़ा है दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट वीट प्रोड्यूस क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस पर्टिकुलर सीजन में वीट का सीजन होता सिक्स मंथ्स का इस पर्टिकुलर सीजन में कितना वीट प्रोड्यूस हुआ दैट इज एन फ्लो कंसेप्ट दैट इज फ्लो कंसेप्ट मीन्स इट इज नॉट वर्किंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वर्किंग जूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम सो ज्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम सीजन में कितना क्वांटिटी वीट प्रोड्यूस हुआ दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट सोज दिस वॉज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट नाउ वी आर कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज इंटरसेक्टोरल फ्लो इंटरसेक्टोरल फ्लो मीन्स किसी दो पर्टिकुलर जो हमारे सेक्टर्स हैं उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में फ्लो कैसे होता है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो अच्छा अब फ्लो जो है जो फ्लो वर्ल्ड है ये हमारी एंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एसेंस है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमें एक कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में फ्लो हो ही ना अगर फ्लो नहीं हो रहा हमारी इकोनॉमी में तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी चलेगी ही नहीं फ्लो के बिना हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती तो जितनी मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है एंटायर वर्ल्ड में दीज ऑल मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू फ्लो

तो उसे मनी फ्लो कहते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसे हम रियल फ्लो कहते हैं देखो रियल फ्लो हम दो सेक्टर इकोनॉमी का रियल फ्लो पढ़ते हैं सबसे पहले हम समझते हैं एक चीज और टू सेक्टर इकोनॉमी हमारे सिलेबस में है नॉर्मली हम गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम टू सेक्टर इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं दैट इज अ क्लोज इकोनॉमी टू सेक्टर इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी क्योंकि उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं है सो इट इज अ क्लोज इकोनॉमी नाउ टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन है एक तो है हाउस होल्ड और एक है फर्म्स सो देर आर टू सेक्टर्स दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म अब इनके बीच में फ्लो कैसा हो रहा है देखो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं अपनी सर्विसेज किसे दे रहे हैं फर्म को दे रहे हैं फर्म में प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बन रहे हैं जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं कोई भी आदमी किसी कंपनी में जॉब करता है तो वो उस प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनता है वो अपनी सर्विसेज किसको दे रहा है कंपनी को दे रहा है उसी तरह से हाउस होल्ड फर्म्स को अपनी फैक्टर सर्विसेस दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज दे आर गिविंग उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है उसके बदले में मिल रहा है उन्हें फैक्टर पेमेंट तो ये जो फैक्टर सर्विसेज हैं ये फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड दे रहे हैं फर्म्स को वो है रियल फ्लो और उनके बदले में जो पेमेंट मिल रहा है फैक्टर पेमेंट्स का वो है मनी फ्लो ना बात करते हैं फॉर्म से फॉर्म क्या कर रही है पहले तो फॉर्म हाउस होल्ड को पैसा दे रही है जब हाउस होल्ड पैसा आ जाएगा तो हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च करेगा कंजम्पशन के लिए जब कंजम्पशन के लिए खर्च करेगा तो वो है मनी फ्लो हमारे पास भी पैसे होते हैं तो हम कुछ चीज खरीद कर लेके आते हैं तो जब हम पैसा सामने वाले को देते हैं दैट इज अ मनी फ्लो और फर्म उसके बदले में क्या देती है फर्म्स आर गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज तो गुड्स एंड सर्विसेज जब हमें मिलता है वो है रियल फ्लो सो दिस इज असिक सर्कुलर डायग्राम ऑफ अल इकोनॉमी दैट इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी नाउ तो दो फ्लो हो गए हमारे पास एक रियल फ्लो एक मनी फ्लो रियल फ्लो इज फिजिकल फ्लो वाइल मनी फ्लो इज नॉमिनल फ्लो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर कंसेप्ट विच विल बी यूजफुल फॉर द कैलकुलशन ऑफ नेशनल इनकम ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे हमारे पास तो वी विल अंडरस्टैंड इनकम एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास इनकम अकाउंट्स की बात करें तो इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट बट यहां पर इनकम को कुछ और तरीके से बाइफेरिएट किया गया है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ नेचर इन देंड्स ऑफ द रेसिपियंट जो रिसीवर के हाथ में पैसा आ रहा है उसके हाथ में पैसा किस नेचर में आ रहा है किस तरह से आ रहा है इस तरह से बाइफर्गेशन हो रहा है यहां पे तो उसमें सबसे पहला है जो बाइफर्गेशन है वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम देखो फैक्टर इनकम का मतलब है जो मेहनत से कमाया सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं पहले आपको फैक्टर इनकम मतलब जो मेहनत से कमाया और ट्रांसफर इनकम मतलब जिसमें हमने कुछ नहीं किया और हमें पैसा मिल गया फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप देर इज अ पुअर पर्सन देर इज अ पुअर बॉय हु इज रियली इंटेलिजेंट बट ही इज पुअर सो गवर्नमेंट इज गिविंग हिम द स्कॉलरशिप ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द गवर्मेंट वो गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहा है बट वो तो भी गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप दे रही है पढ़ने के लिए सो दैट इज वॉट दैट इज अ ट्रांसफर इनकम इन देंड्स ऑफ दैट दैट बॉय सो फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव बाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेस को दे रहे हैं फॉर्म्स को जिनको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेस फैक्टर सर्विसेज उन्होंने दिया और उसके बदले में उन्हें क्या मिला उन्हें मिला फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम इसका दूसरा नाम है फैक्टर इनकम सो फैक्टर इनकम कुछ करके की जाती है मेहनत करके नौ फैक्टर इनकम में हम जब कुछ करते हैं तभी हमें मिलता है तो वी हैव टू अर्न हम फैक्टर इनकम अगर फैक्टर इनकम तभी मिलेगी जब अर्न करेंगे जब हम कुछ करेंगे तो इट इज एन अर्निंग कंसेप्ट यू हैव टू फर्स्ट अर्न आपको कमानी पड़ेगी पहले फिर मिलेगी आपको So it is an earning concept. It is bilateral. Bilateral means two-sided. You have to do something. You have to give the factor services. Then you will receive money. So it is a factor income. Factor income is included in national income also, and it is included in domestic income also. The best example of factor income is rent, wages, interests, and profits. Rent milta land ko, wages milti labour ko. इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल को और प्रॉफिट मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को नो ट्रांसफर इनकम इज समथिंग विच इज रिसीव्ड विदाउट गिविंग एनीथिंग हमने कुछ नहीं दिया हमने कुछ नहीं करा सामने वाले के लिए उसने हमें पैसा दे दिया हमें ट्रांसफर इनकम दे दी सो इट इज़ ए यूनिकैटरल कंसेप्ट इट इज वन साइडेड इंडिया में सुनामी आ गई अमेरिका ने दो लाख डॉलर दिए तो अमेरिका ने दो लाख डॉलर दिए हमने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया इंडिया में सुनामी आ गई इसलिए अमेरिका ने हमें अनुदान दिया सो इट इज अलर्टल कॉन्सेप्ट इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट मीन्स यू रिसीव यू आर नॉट अर्निंग यू जस्ट रिसीव सो इट इज अड्ड कॉन्सेप्ट इट इज नाइदर इधर इंक्लूडेड नेशनल इनकम नॉर इंक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं किया जाता है इसको नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफर इनकम स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलती है बहुत सारे गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता उनके पास तो गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं ओल्ड एज पेंशन बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ओल्ड एज पेंशन देती हैं उन बुजुर्ग लोगों के लिए जो कमाने लायक नहीं है और उनके कोई ज़्यादा इनकम सोर्सेज नहीं है तो गवर्नमेंट उनको ओल्ड एज पेंशन देती है जस्ट फॉर द सर्वाइवल जिससे वो लोग सर्वाइव कर सकें आराम से ओल्ड एज पेंशन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हमारी कंट्री में भी कुछ स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है बट जैसे अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी भत्ता मतलब अगर कोई बेरोजगार है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसके खाने पीने और सर्वाइवल के लिए कुछ पैसे चाहिए वो पैसे कौन देता है गवर्नमेंट देती है सो दैट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और उसके बदले में वो गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं करता है बट उसे तो भी भत्ता मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ट्रांसफ़र इनकम हो पॉकेट मनी नॉर्मल है वी आर नॉट डूंग एनीथिंग फॉर आवर पेरेंट्स बट दे आर स्टिल गिविंग द पॉकेट मनी जस्ट फॉर आवर डे टू डे एक्सपेंडिचर सो दैट पॉकेट मनी इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम इन हैंड्स ऑफ चिल्ड्रन नो, एक एग्जाम्पल दिया है गवर्नमेंट जो टैक्सेस रिसीव कर रही है हमसे गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर आदमी से गवर्नमेंट ने पंद्रह हजार रुपये टैक्स लिया मान लीजिए गवर्नमेंट उस आदमी से जिससे वो टैक्स ले रही है गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट उससे पैसे ऐसे ही ले रही है टैक्स के नाम से तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस रिसीव कर रही है वो उसके लिए कौन सी इनकम है ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर इनकम मतलब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उससे पंद्रह हज़ार टैक्स ले लिया बट उसने पर्टिकुलर पर्सन के लिए कुछ नहीं किया तो दैट इज़ अ ट्रांसफर इनकम बट यस गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है गवर्नमेंट उस पैसे से सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना गरीब कल्याण स्कीम इसमें गवर्नमेंट ने 170 सेवेंटी लैक्स करोड़्स गरीब लोगों को दिए थे बांटे थे तो वो ट्रांसफर पेमेंट एक तरह से नौ no. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ट्रांसफर्स की ट्रांसफर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के ट्रांसफर्स हैं एक करेंट ट्रांसफर्स और एक है कैपिटल ट्रांसफर्स फॉर एग्जाम्पल जो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है वो एक तरह का करंट ट्रांसफर है क्योंकि पॉकेट मनी पेरेंट्स कहाँ से देते हैं अपनी रेगुलर इनकम में से देते हैं जो उनकी रेगुलर इनकम है उसमें से वो लोग पॉकेट मनी देते हैं सो पॉकेट मनी इज बेसिकली आउट ऑफ इनकम ऑफ द पे जो पे की रेगुलर इनकम है उस रेगुलर इनकम से जो पैसा देता है उसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफ़र और रेगुलर इनकम रोजाना होती है और करंट ट्रांसफर भी रोजाना होता है तो करंट ट्रांसफर का नेचर कैसा है रेकरिंग रेकरिंग मतलब बार बार नो करंट ट्रांसफर आर मेन फॉर कंजम्पन करंट ट्रांसफर कंजम्पन पर्पज़ के लिए होते हैं जिससे कोई सामने वाला रेगुलर बेसिस पे कुछ कंज्यूम कर सके जैसे ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है गवर्नमेंट क्यों देती है गवर्नमेंट इसलिए देती है जिससे ओल्ड पर्सन रेगुलरली कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सकें कुछ पैसा लेकर खा सकें पी सकें रह सकें सो करंट ट्रांसफर सर आउट ऑफ इनकम बट कैपिटल ट्रांसफर सर आउट ऑफ वेल्थ वेल्थ से दिया जाता है कैपिटल ट्रांसफर फॉर एग्जाम्पल समर्सन जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के नाना ने उसको अपनी प्रॉपर्टी डोनेट अब प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी तो वो जो प्रॉपर्टी उस बच्चे को मिली है वो उसके लिए कैपिटल ट्रांसफर है क्योंकि कहाँ से मिला है उनके नाना जी की जो वेल्थ है उसमें से मिला है तो कैपिटल ट्रांसफर सर बेसिकली आउट ऑफ वेल्थ but current transfers are basically out of income capital transfers are not recur not recurring means they are not on a day by day basis they are non recurring in nature now they are meant for capital formation they are mean not meant for consumption current transfers are meant for consumption but capital transfers are not meant for day to day consumption they are for capital formation for example investment grants वॉर वॉर डैमेजेस डैमेजेस जैसे मान लीजिए समझते हम लोग जैसे मान लीजिए विलेज है पाकिस्तान बॉर्डर पे उस पाकिस्तान बॉर्डर पे जो विलेज है उस विलेज में मान लीजिए पाकिस्तान की कोई मिसाइल आके गिरी तो उसका सारा मकान बिखर गया किसी आदमी का बेकार हो गया मकान टूट गया गवर्नमेंट ने उसको वॉर डैमेजेस दिए तो वॉर डैमेजेस आर बेसिकली कैपिटल ट्रांसफर सो दे आर नॉट फॉर कंजन परपज दे आर फॉर सम कैपिटल फॉर्मेशन दे आर सम दे आर फॉर सम असेट फॉर्मेशन जिससे हम कुछ असेट बना सकें सो दे आर दीज आर दैपिटल ट्रांसफेयर्स एंड करंट ट्रांसफेर्स नाउ अब हमारे पास कुछ कुछ और टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें बहुत सारी कुछ डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी है गुड्स की डेफिनेशन है फाइनल गुड्स कंजन गुड्स कैपिटल गुड्स देन वी विल रेड अबाउट नॉन रेजिडेंट हमारे पास बहुत सारी कुछ कुछ डेफिनेशन है जो हमें भी अच्छे से समझनी है क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस में जो क्रक्स है इनका जो नॉलेज है ये सारा हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड दीज ऑल डेफिनेशन द जो भी बच गई है डेफिनेशन और कुछ कंटेंट बच गए नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे थैंक यू